महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि का दिन शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग और उनके अलावा भी बहुत सारी जगह पर भगवान शंकर जी के मंदिर से शंकराचार्य जो श्रीनगर में है मंदिर, वो अपने आप में एक अलग मुकाम रखता है। इसकी अहमियत है, काफ़ी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन देते हैं। तो आज मैंने महाशिवरात्रि के मौके पर दर्शन लिया, हवन भी किया। विभू शर्मा जी जो उधमपुर से आते हैं, यहाँ लंगर लगाते हैं, जितने भी डिवोटीज़ यहाँ आते हैं तो पूरे दिन भर जो है उनको यहाँ खाना मिलता है। महाशिवरात्रि और शब मिराज, ये दोनों एक डिवाइन कोइंसिडेंस है। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। शब का मतलब रात्र होता है और महाशिवरात्रि में रात्र इन्वॉल्व है। शब मिराज के दिन प्रोफेट मोहम्मद पैगंबर साहब को अलमाइटी अल्लाह ने जो है ज्ञान दिया था, नई चीज़ें बताई थी जो आगे चल करके उन्होंने सभी के लिए बताई। और महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर जी ने जो अपना तांडव नृत्य है वो किया था। तो ये दोनों कोइंसिडेंस काफ़ी अच्छे हैं। मैं इस कोइंसिडेंस पर आपके चैनल के ज़रिए वादी के तमाम आवाम को और कश्मीर से जो दुनिया के अलग अलग शहरों में है उन सभी पंडित भाइयों को बधाई देता हूँ, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और शब मिराज की भी शुभकामनाएं देता हूँ। शिवजी और अलमाइटी अल्लाह को प्रार्थना करता हूँ कि वादी कश्मीर में जो अमन शांति और तरक्की का दौर है उसको बरकरार रखे और उसमें कोई खलल पड़ने ना दे। शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से पानी, बिजली, सफाई, फिर फायरवुड और सिक्योरिटी, इन सब के इंतज़ाम किए हुए हैं ताकि जो भी यात्री यहाँ आए उनको दर्शन लेने में कोई डिफ़िकल्टीज़ न जाए। सब किस्म की जो है तैयारियाँ हमने कर दी हैं। धर्मा ट्रस्ट भी जो है इसमें कुछ काम करता है और विभू शर्मा जी जैसे डोनर्स हैं वो भी इसमें काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं। CRPF का भी रोल जो है इम्पॉर्टेंट है, वो भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो भक्तगण काफ़ी आएंगे, ऐसी अपेक्षा है। पहले मैं आपके चैनलों के माध्यम से सभी देशवासियों को, सभी विश्व को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज जो महाशिवरात्रि का पर्व है
आज यहाँ श्रीनगर में शंकराचार्य जी के यहाँ शिव मंदिर में बहुत धूमधाम से मनाया गया है। आज के दिन भगवान शंकर देवों के देव महादेव जो है लिंग के रूप में धरती पर आए थे और जगत के कल्याण के लिए उन्होंने यहाँ लिंग के रूप में यहाँ उनका प्रादुर्भाव हुआ आना हुआ। और आज जो है यहाँ सुबह 3:30 बजे से लेकर ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ रुद्राभिषेक का कर्म हुआ, वो रुद्राभिषेक हुआ। उसके बाद यहाँ हवन इत्यादि जो कर्म जो था वो हुआ। नीचे जो अन्न क्षेत्र इत्यादि चल रहा है वो सभी यात्रियों के लिए, देशवासियों के लिए, जो जहाँ भक्त श्रद्धालु जहाँ आएंगे वो सब यहाँ आके भगवान भोलेनाथ जी का उनका आशीर्वाद लें, उनकी कृपा लें और उनका आशीर्वाद लें और इस अन्न क्षेत्र का भागी बने। और इसलिए सारे समाज में हमारी यही शुभकामनाएँ हैं कि जो है सभी सारे संसार में जो है भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे और महाशिवरात्रि के पर्व की आप सभी को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई सर।